कैसरगंज से भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन में रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। पहलवानों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद जहां एक तरफ ब्रजभूषण को भारी आक्रोश और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भाजपा सांसद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक समाज है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये समाज है संत समाज। जी हाँ, संत समाज। अयोध्या के साधु संत लगातार इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े नजर आए हैं। बता दें कि हनुमानगढ़ी के उत्तराधिकारी और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और महंत गौरी शंकर दास समेत अयोध्या के साधु संतों ने कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण का समर्थन किया है। इस दौरान साधु संतों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन्हें फांसी हो जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो आरोप लगाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर कितने कितने आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एक षड्यंत्र ही साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कुचक्र ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सारे संत महापुरुष एकत्र होकर के विचार करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि ऐसा कृत्य अच्छा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। आज तक आपने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की, फोटो खिंचवाते रहे, शादी विवाह समारोह में शामिल होते रहे, उस धरने का कोई मतलब नहीं है। जब अगला व्यक्ति कहता है कि हमारा कोई किसी भी प्रकार की जांच करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, आप क्या चाहते हो? फांसी पर लटका दिया जाए कि आपके कह देने से व्यक्ति दोषी हो जाएगा, आपके कह देने से बलात्कारी हो जाएगा? हम अपने देश की बहन बेटियों के साथ में हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कृत्य किया है तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, और यदि उन्होंने नहीं किया है, इस प्रकार के झूठे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसका कौन दोषी होगा? गौरतलब है कि संत समाज निवर्तमान कुश्ती संघ अध्यक्ष व कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 5 जून को होने वाली जनचेतना महारैली में जनचेतना के लिए बड़े संत समागम किए जाने का ऐलान किया है। वहीं अयोध्या में होने वाले इस जनचेतना संत समागम में दुनिया भर के लाखों संतों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि इस दिन लाखों संत महंतों के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।